जिनकी कॉल पर आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, यकीनन आप सबके सब इस बात के मुस्तहिक हैं कि हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी इंसानियत पर जुल्म होता है तो ये आवाज जमीयतुल उलमा हिंद और उसके हजरत मौलाना महमूद हसन साहब, महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर मजालिम होते हैं अपनी आवाज उठाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में, जब हिंदुस्तान में वो कांग्रेस 200 साल हुकूमत कर चुके थे, हिंदू और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, तो देवल से उठने वाली आवाज मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई शुरू की तो उसमें हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये हजरात अपने पैसे से इस मुल्क की आजादी की मुहिम को शुरू करते थे। एक तरफ गांधी जी बैठे होते थे, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुआ करते थे और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनका तारुफ कराते थे। ये इनकी कुर्बानियां हैं। हम रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये वो रोहिंग्या मुसलमान वो है जो हिंदुस्तान से 1824 में अंग्रेजों ने इन्हें खेती के लिए, काम के लिए, मजदूरी के लिए बर्मा भेजा था। ये बंगाल के रहने वाले लोग हैं, ये इस हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई तो सुभाष चंद्र बोस की फौज में ये रोहिंग्या लोग उस फौज के हिस्सेदार बने और पहली तकदीर बर्मा में जो की सुभाष चंद्र बोस ने तो उसमें रोहिंग्या मुसलमान उनके साथ थे। इसलिए हम यहाँ उनकी हिमायत के लिए आप और इकट्ठे हुए हैं कि जुल्म जब भी होगा जुल्म के खिलाफ कोई ना कोई खड़ा होगा, अगर कोई रावण खड़ा होगा तो उसके खिलाफ राम खड़ा होगा और अगर कोई फिरौन होगा जालिम बादशाह तो उसके खिलाफ मूसा खड़ा होगा। ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये मौलाना महमूद हसन, मौलाना महमूद मदनी साहब के ब्लड में है, खून में है, इनको खानदान से और विरासत से मिली है कि जब जब कहीं भी जुल्म किया जाएगा ये अपनी आवाज उठाते हैं। हम अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये कहना चाहते हैं कि जब यहाँ पर तिब्बत के लोग रह सकते हैं, यहाँ नेपाल के लोग रह सकते हैं, तो ये रोहिंग्या मुसलमान जो इसी हिंदुस्तान की औलाद है वो क्यों नहीं रह सकते। हम ये आगाह करना चाहते हैं, याद रखो ये सर्किल है, इस सर्किल में 840 मुल्क में हमने भी हुकूमत की है। आज सर्किल बदला है, हुक्मरानी तुम्हारे पास है। जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। आप अपने अंदर इंसानियत को जगाओ और आने वाले मुजरिमीन की हिमायत करो। दुनिया की सारी इंसानियत, दुनिया के सारे हुक्मरान, दुनिया में रहने वाले ईसाई हो, हिंदू हो, सरदार हो, शर्म करो कि हमारे मुल्क के सरदार बांग्लादेश में जाके उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। हमारी हुकूमत को जो हमारे मुल्क में बना दी जा रहे उनकी हिमायत करना चाहिए। मैं इस बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिदा हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू से हमारा। अस्सलाम वालेकुम। बर्मा के मुसलमानों की नस्ल खुशी,
खुशी बंद करो।